मान लीजिए कि मटेरियल है ऐसे कंडक्टर, कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है ऐसे, बोलो क्लियर। ऐसे अगर आपका कंडक्टिंग मटेरियल है इस कंडक्टिंग मटेरियल पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, क्या लगाऊं, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आप सब लोग जानते हो कि इसमें प्लस और माइनस रीअरेंज हो जाएंगे। क्या रेंज हो जाएंगे? प्लस और माइनस रीअरेंज हो जाएंगे। यहां क्या आएंगे? माइनस। और यहां क्या आएंगे? क्या इस प्लस और माइनस की वजह से यहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? कुल मिला के अंदर क्या होगी? जीरो। यार तुम्हें नहीं आया? ये एक्सटर्नल और ये इंड्यूस्ड। सो ई इंड्यूस्ड एंड ई एक्सटर्नल, ई इंड्यूस्ड और नेट पुल मिला के क्या होंगे? जीरो। क्या होंगे? जीरो। ये बच्चों का अनाउंस नहीं करा था क्या उसके प्लानर बेस्ड टेस्ट सीरीज के लिए? तो अगर एक अमन कंडक्टिंग मटेरियल ले, क्या ले, तो नेट रिफिल अंदर क्या होगी? क्या होगी? सोच लो। नेट रिफिल अंदर जीरो होगी। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, बहुत बढ़िया सब, अंदर रिफिल जीरो होगी। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। वास्तविकता में होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गए और नेगेटिव चार्ज। अच्छा इसमें मटेरियल दो टाइप के होते हैं, कंडक्टिंग, तीन टाइप के पढ़ाए थे मैंने, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे समझ के मटेरियल सेमीकंडक्टर टाइप का है, उन्हें बोलते हैं डायलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक। क्या हर मटेरियल में ऐसा होगा कि जितना चार्ज, जैसे जैसे ही आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा, नेगेटिव पे लगा, ये तो कंडक्टर था इसलिए जितना चार्ज इधर आ सकता था उतना आ गया और जितना इधर आ सकता था उतना आ गया। मान लीजिए मटेरियल ऐसा नहीं है कि जितने चार्ज चाहो उतने चले जाए, तो उतना ही जाएगा, कम जाएगा। मान लीजिए कि हमने एक मटेरियल, इसे बोलते हैं डायलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर, जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो। बेसिकली मटेरियल जो नॉर्मल मटेरियल है, इसमें अगर मैं ई एक्सटर्नल लगाऊं तो हम जानते हैं कि यहां पर प्लस इकट्ठा होगा, यहां पर माइनस इकट्ठा होगा, ये ई इंड्यूस इधर आएगा और ई एक्सटर्नल इधर आएगा, पर वास्तविकता में ये जीरो नहीं होगा। वास्तविकता में ये जीरो नहीं होगा। पर क्या ये ई एक्सटर्नल से कम हो जाए? ये कितना कम होगा क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि इस मटेरियल की कितनी ताकत है। अगर ये मटेरियल कंडक्टर हुआ तो पूरी ताकत है, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा? पर हर मटेरियल पूरा इतना ताकतवर हो ये जरूरी नहीं है। यार आवाज नहीं आई, हाँ ना बोल। हर मटेरियल पूरा इतना ताकतवर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो कोई भी जनरल जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो बचती है एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अब कितनी बचती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना ताकतवर है। इस ताकत का मापदंड लाया गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नामक चीज से। किससे? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप बोलोगे के। क्या बोलोगे? के। क्या बोलोगे? के। तो डायलेक्ट्रिक में एक चीज है जिसे बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक ऑफ द मटेरियल। ये बताएगा कि इसकी क्या ताकत है पोलराइज करने की। क्या करने की? आप तो ऐसा समझो कि अगर मैं बोलूं कि इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक दो है, इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो है, तो तू पता क्या समझेगा? तू समझेगा कि अगर मैं इस पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, कितनी? 10। तो बचेगी 5। कोई आपसे पूछे द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल इज 5। सपोज समबडी विल टेल यू द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल इज 5। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज कि अगर मैं इस पे 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, कितनी? 100। तो बचेगी 100/5, यानी कि 20। के वो फैक्टर है जिससे एक्सटर्नल फील्ड डिवाइड कर दी जाती है। yes, उतनी ही अंदर बचती है। yes, यार आवाज नहीं आया यार। yes, उतनी ही अंदर, मतलब अंदर जो नेट बचती है, क्या बचती है? yes, वो बचती है ई एक्सटर्नल बाई के, एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ द मटेरियल। दिस इज अ फैक्टर ऑफ द, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार? अभी कोई कैपेसिटर नहीं पढ़ा, एक मटेरियल बता रहा हूं, मटेरियल की प्रॉपर्टी। क्या किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं? yes,
चार्ज इंड्यूस होते हैं तो क्या इलेक्ट्रिकल घट जाती है? Yes, sir. कितनी घटती है, क्या है? मेटेरियल पर डिपेंड करता है. Yes, sir. उसकी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. तुम्हें नहीं आया? आया. तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? इट इज द फैक्टर बाय विच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिवाइडेड. यार तुम्हें नहीं आया? आया. सिंपल. मेरे को बोला इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6. मैं समझ गया भाई साहब, 100 लगाओगे तो 100/6. Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया? आया. क्या बात की फील आई है? Yes, sir. सोच, अगर तुझे बात समझ में आई तो सोच, अगर मटेरियल वैक्यूम हो या एयर हो तो के की वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट. और अगर कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, क्या ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए? Yes, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होनी. अरे नहीं आया. तो जो बाकी मटेरियल आप पढ़ रहे हो डायलेक्ट्रिक का, उसकी कहीं बीच में ही होगी. Yes, अरे नहीं आया. इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? क्या फील आई है? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. जो फील आई है उतार दे, और जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख. फील के साथ लिखना, तब तुझे अच्छा लगेगा कि किसी भी मटेरियल पे जब एक्सेलरेटरी फील लगाते हैं तो चार्जेज इंड्यूस होते हैं. चार्ज इंड्यूस होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील घट जाती है. जितने फैक्टर से वो घट जाती है उसे मटेरियल की प्रॉपर्टी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं. अरे हाँ ना बोल. जो अच्छा लगे लिख, नहीं अच्छा लगे मत लिख. लिखना भाई साहब, भूसा मार देना. अरे हाँ ना बोलो. तो बेसिकली हमें समझ में आया कि एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है. एक क्या होता है उस पे उस डायलेक्ट्रिक मटेरियल वो है जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. उसका मतलब ये होता है कि अगर उस पे इलेक्ट्रिक फील लगाओ तो इतने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील. पर हम तो कैपेसिटर पढ़ रहे थे बीच में काम के. एक्चुअली आपके जो आपका कैपेसिटर है, जो आपका क्या है, जो आपका कैपेसिटर है, उसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो उस पे वास्तविकता में कैपेसिटर ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी झूलता रहता है. ऐसे थोड़ी कैपेसिटर बनाया जाता है. अगर आप प्रैक्टिकली समझो तो आपने जो कैपेसिटर अभी तक पढ़ा है उस कैपेसिटर में क्या होता है? ऐसे दो प्लेट, इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना माइनस. अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, तो सुनना ध्यान से सोच, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन है? नहीं है. आपसे पूछा जाए मान लीजिए प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, क्या ये वाली प्लेट इसमें फोर्स लगा रही है? Yes or no? याद कर, मैं तेरे को चीज बता दी, फोर्स बराबर क्यू ई. क्यू ई में ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, भूल गया तू यार. ये मैंने पॉइंट बताया था कंडक्टर में. yes, जब मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रेशर, तब मैंने बोला था जब फोर्स बराबर क्यू ई लिखते तो ई किसकी वजह से होता है? खुद की वजह से या बाकी बचे हुए? अगर मान लीजिए मैं इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लिख रहा हूँ तो मैं फोर्स लिखूंगा एफ, एफ की वैल्यू लिखूंगा यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज कितना सिग्मा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखूंगा क्या सिर्फ इसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सिग्मा बाई टू एफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सॉरी फोर्स कितना है सिग्मा स्क्वायर ए बाई टू एफ. क्या सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाई ए? क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है क्यू स्क्वायर बाई टू एफ. मैंने एक तो ये बताया कि देख दो प्लेट जो कैपेसिटर वाली होती है उनके बीच में फोर्स होता है, उनके बीच में, और फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए इस पर भी सवाल आ सकते हैं. अब इससे उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम को सोचिए. अगर हम ऐसी कैपेसिटर, पहले तो ये समझ आया? yes, इसमें सिंपल सिंपल सवाल आ सकते हैं, कितना फोर्स चाहिए, तो ये रहा फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई. ये सबको समझ आया? yes, किसी भी दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं? yes, अट्रैक्शन है रिपल्शन है? yes, अट्रैक्शन है रिपल्शन. yes, और उसकी वैल्यू कितनी है? ये नहीं, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, क्या उतना इनको रोके रखना मुश्किल होगा? yes, अब आपके लिए कैपेसिटर होते हैं तो इतने इतने से होते हैं, मैंने बताया था. yes, कैपेसिटर इतने इतने से भी हो सकते हैं. ऐसे थोड़ी उसके अंदर एक मक्खी बैठी रहती है, जैसे रखे रखी थी, मक्खी मर गई कैपेसिटर खराब. अरे नहीं आया. सो देयर शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम, देयर शुड बी अ टू मेक दीस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, टू मेक दीस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स. ऐसे जो आपने कैपेसिटर पढ़े ना एयर वाले, ऐसे एयर वाले कैपेसिटर होते ही नहीं, बहुत रेयरली कभी बनाए तो वैक्यूम वाले बनाते हैं. बाकी तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं बताता हूँ. ऐसे डायलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, क्या लेते हैं? ऐसे डायलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, उसके इधर ऐसे बढ़िया डायलेक्ट्रिक मटेरियल लिया टुकड़ा एकदम शानदार सॉलिड, इसके इधर कंडक्टर की कोटिंग करते हैं, इसके इधर भी कंडक्टर की कोटिंग करते हैं, क्या ये बढ़िया सपोर्ट बनता है? तो कैपेसिटर वो होते हैं जिनमें डायलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
जिनमें डाइलेट्रिक तो बेसिकली वो आराम से प्लेट्स को क्या करते हैं, सोच इसके बीच में मसाला भर दू तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो मेजर यूज ऑफ बेसिकली डाइलेट्रिक बनने के तीन यूज है। पहला, क्या इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैपेसिटर प्लेट्स, इट प्रोवाइड्स, तुझे मुझे लगा नहीं तुझे आया, जो कैपेसिटर आप सोच के सोच रहे थे उतना आसानी से उनको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वास्तविकता में कैपेसिटर ऐसे होते नहीं है जो आपने देखे वैक्यूम वाले। 99.9% टाइम जो कैपेसिटर होते हैं वो डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर होते हैं। क्या होते हैं? उनके अंदर एयर नहीं होती, उनके अंदर क्या भरा होता है? मसाला, डायलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है? डायलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। वास्तविकता में कैसे बनाए जाते हैं वो बताने का प्रयास कर रहा था मैं आपको। ऐसे डायलेक्ट्रिक का टुकड़ा लेते हैं, उसकी साइडों पे क्या कर देते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग। क्या कोटिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगी? क्या मस्ट सॉलिड चीज बनेगी? जो क्या कहलाएगी? कैपेसिटर। क्या कहलाएगी? बढ़िया सॉलिड, फेल तो कुछ नहीं होगा। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या पहला यूज समझ आया? क्या पहला यूज समझ आया या नहीं आया? आया नहीं आया? लिख लो जो भी लिखना है। ऐसे लिखना, पहले फोल्ड बिटवीन द प्लेट्स लिखना, फिर लिखना कि अगर वैक्यूम में या इसमें बनाओ तो इनको रोके रखना इतना आसान, इसलिए हम ऐसे कैपेसिटर बनाते हैं जिनके बीच में क्या भरा होता है? डायलेक्ट्रिक। अपनी भाषा में लिख डालो, अपनी भाषा में लिख डालो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे। सो हमें समझ में आया कि भाई साहब हमारे जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं वो डायलेक्ट्रिक उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। अरे तुम्हें नहीं आया, लिख लेना है बात। डायलेक्ट्रिक प्रोवाइड्स व्हाट? सपोर्ट। क्या ठीक आ जाएगी? अब क्या करें, थोड़ी और आगे बातें करते हैं। देख मान लीजिए कि हमने डायलेक्ट्रिक में उसको सपोर्ट करने की वजह से हमने उसमें डायलेक्ट्रिक भर दिया। थोड़ा सा इसके पीछे गैप ले लेता हूँ समझने के लिए। होता क्या है कि आप अगर कैपेसिटर है इसमें आपने डायलेक्ट्रिक भर दिया, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, जो आपने अभी पढ़ा था वैसा ही है। इस पे यहां चार्ज आ गया प्लस, थोड़ा सा आपको गैप लेके दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। यहां पर डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो किसके अंदर भरा हुआ है? अरे बोलो तो सही, किसके अंदर भरा हुआ है? कैपेसिटर। इसको थोड़ा गैप बना रहा हूं, गैप है नहीं बस दिखाने के लिए। ठीक, ऐसे मान लीजिए यहां आ गया प्लस, कितना आ गया? प्लस। यहां माइनस, प्लेट्स पे तो ऐसे होता है, हमने इसमें डायलेट्रिक भर दिया। ऐसे डायलेट्रिक भरने से क्या हुआ? यहां पे एक्सेलरेटरी फील्ड थी कितनी? मान लीजिए सिग्मा या माइनस सिग्मा, क्या एक्सेलरेटरी फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन? आप तो ये समझो कि कैपेसिटर जब अकेला था तो उसके अंदर एक्सेलरेटरी फील्ड कितनी थी? सिग्मा बाय। अब जो डायलेट्रिक भरो तो डायलेट्रिक के लिए तो एक्सेलरेटरी फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गई ना, तो अंदर कितनी मिली? सिग्मा बाय एप्सिलॉन की सिग्मा बाय एप्सिलॉन के? सिग्मा बाय एप्सिलॉन के। यार आवाज नहीं आई यार, जो अपन ने अभी भी पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पे इस पे ऐसे माइनस 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 इंड्यूस हुआ, यहाँ पे इसे प्लस 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 इंड्यूस हुआ। इसे प्लस सिग्मा ही बोल दो, इसे माइनस सिग्मा ही बोल दो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो ई नेट अंदर आई वो ई नेट लिखी गई ई एक्सटर्नल, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड माइनस, एंड वी नो कि दिस शुड बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? इज बोल्ट्स मैन कांस्टेंट? यस सर। अरे हाँ ना बोल। यस सर। नहीं आया? आया। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं बिल्कुल सिमेट्रिक ले लूं तो क्या ये माइनस सिग्मा आई ये प्लस सिग्मा आई की वजह से ई इंड्यूस इधर आई, क्या वो वैल्यू भी सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट आई? इस लेयर की वजह से सिग्मा आई बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस की वजह से माइनस और इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो क्या इसे मैं रख सकता हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ई बाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के? क्या सिग्मा ई की वैल्यू लिखी जा सकती है सिग्मा वन माइनस वन बाई के? वैसे कम चांसेस होते हैं कोई आपसे पूछ ले, पर अगर पूछ ले तो हमें आना। सिग्मा कहां की चार्ज डेंसिटी है? प्लेट की। कहां की? सिग्मा ई कहां की है? डायलेक्ट्रिक की। अरे नहीं आया? इस मसाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के।
ये तो समझाने वाली बात है, बट अगर आप वास्तविकता में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कैपेसिटर ले लो, अगर आप वास्तविकता में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कैपेसिटर ले लो और इसकी यहाँ प्लेट पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के है? नहीं आया। तो यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल V बराबर क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी है? याद में नहीं आया? अरे नहीं आया, याद कर। क्या कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम होती थी Q बाई V? क्या होती थी? क्या होती थी? क्या Q इज नथिंग बट सिग्मा ए? Q इज नथिंग बट सिग्मा ए। Q इज नथिंग बट और V कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू सॉरी एप्स नॉट के इंटू डी। सिग्मा ने सिग्मा को एक डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या आई? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। क्या हमने पहले एप्स नॉट ए बाई डी पढ़ी थी? पर क्या तब एयर थी? अगर कोई भी भरा हुआ डायलेक्ट्रिक होगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या एप्सिलॉन के ए बाई डी होगी। एक और फायदा सुन, कैसे के की वैल्यू वन से ज्यादा होती है? कम ज्यादा? कम बोल। कैपेसिटेंस बड़ी घटी? बड़ी घटी। क्या डायलेक्ट्रिक का पहला यूज क्या इट सपोर्ट टू द प्लेट्स? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लेट्स। क्या इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम? इट ऑल्सो इंक्रीजेस द घुसा या सन्नाटा है? अरे सोच लो। yes,